13 अप्रैल से शुरू हो रहे नवरात्र और 14 अप्रैल से शुरू हो रहा रमजान माह के संबंध में जिलाधिकारी केवजन पांजन ने कहा कि त्योहारों को लेकर शासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत कम से कम 5 लोग ही धर्म स्थलों में पूजा पाठ कर सकेंगे। इसके अलावा शादी समारोह में 50 व्यक्तियों से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। शादी वाले हाल में भी 50% लोग ही मौजूद रहेंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें, जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, सर कुछ त्यौहार भी आने वाले हैं, नवरात्र है और रमजान भी आ रहा है, सर क्या है? जी देखिए, इसका मार्गदर्शन हम जारी कर रहा हूँ। कोई भी जो मस्जिद है, मजार है, मंदिर है, कहीं भी तो जो सार्वजनिक प्रार्थना स्थल जाएंगे, 5 आदमी से ज़्यादा ना जाएं। और कहीं भी कोई भी जो शादी है, पार्टी है, जो भी होता है, 50 से ऊपर संख्या में नहीं होना चाहिए था। यदि हॉल होता तो उस पर आधा संख्या में यानी 50% क्षमता में ही चलेगी। ये निर्देश हम लोग आज जारी कर रहे हैं, पहले से भी जारी है। और अवॉइड करिए ज़्यादातर, कभी आगे आने वाले 10 दिन के लिए इसी टाइप के त्यौहार में मत जाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ उसको।